बसमिल आई होप ऑल ऑफ आर फ़ाइन एंड हेल्दी इंशाल्लाह टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट मैनेजिंग आर डेटा बेस बेस को किस तरह से मैनेज किया जाता है हम लोग पढ़ेंगे सब उससे पहले कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं डाटा बेस डेटा और इंफॉर्मेशन पहले डिस्कस करते हैं कि डाटा क्या होता है डाटा हमारे पास होता है अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं इट इज़ द कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम जिनके ऊपर हमने कोई प्रोसेस अभी नहीं किया होता इसकी एक और डेफिनेशन जो कि हम लोग देखते हैं वो है इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फीगर्स अब डेटा uh, को हम लोग प्रोसेस करते हैं ताकि वो यूज़फुल यूज़फुल मीनिंगफुल चीज़ में कन्वर्ट कर दें उस मीनिंगफुल चीज़ को हम कह देते हैं इंफॉर्मेशन फिर हम इंफॉर्मेशन को मुख्तफ जगह पे नेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको बनाया कैसे जाता है डाटा को जो भी हमारे पास डाटा होता है उसको टेक्स्ट को और नंबर्स को इमेजेस को ऑडियो को वीडियो को सबको हम लोग प्रोसेस करते हैं देन उसको इन्फॉमेसन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है बेसिकली फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं मीन्स के वो हमारे पास डाटा है डे uh, उनको हम लोग प्रोसेस uh, करेंगे प्रोसेस मीन्स के हमने फॉर एग्जाम्पल एडिशन कर दी है ठीक है एडिशन क्या हो रहा है कि हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है प्रोसेसिंग के बाद हमने उसको कन्वर्ट कर ना है टोटल मार्क्स में ठीक है टोटल मार्क्स क्या होंगे हमारे पास प्रोसेस्ड डेटा होगा जिसके बेस के ऊपर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर स्टूडेंट इज पास और फेल्ड अब आ, बात कर लेते हैं डेटाबेस की डाटा क्या चीज होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ़ डाटा ऑर्गेनाइज इन द मैनर डैट अलोज एक्सेस एंड रिट्री एक्सेस रिट्रील एंड यूज़ ऑफ़ डैट डाटा अब जो डेटा हमारे पास आया है उसको हमने कैसे ऑर्गनाइज करना है ताकि हम लोग ईजीली उसको एक्सेस कर सकें ईजीली उस डाटा को रिट्रीव हासिल कर सकें एंड यूज़ कर सकें नेक्स्ट पर्पज़ के लिए तो हमारे पास डेटा बेस इसलिए यूज़ होती है ठीक है अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है कि इट इज़ यूज टू क्रिएट अ कम्प्यूटराइज डेटाबेस ठीक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करके हम लोग क्रिएट करते हैं कंप्यूटराइज डेटाबेस को और उसके बाद हम लोग डाटा को एड भी कर सकते हैं मॉडिफाई भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं शॉर्ट भी कर सकते शॉर्ट मीन्स के किसी लॉजिकल ऑर्डर में हमने अरेंज कर देना डाटा को फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर दे या डिसेंडिंग ऑर्डर में uh, हम लोगों ने अरेंज कर दिया उसके बाद डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं एक दफ़ा डाटा को सेव करवा दिया उसको किस तरीके से लाना भी तो है वो जो वापस लाने का मेकनिजम है उसको हम लोग रिट्रीवल कहते हैं डाटा क्या रिट्रीवल? और क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। जो सॉरी डाटा के बेस के ऊपर हम लोग फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा है 15 स्टूडेंट्स का 15 स्टूडेंट में से uh, कितने पास हैं कितने फेल हैं ये डाटा के बेस के ऊपर हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करेंगे वो रिपोर्ट हम लोग डेटा बेस में क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज द प्रोग्राम डाटा रिक्वायर्ड टू मैनेज डैट डाटा ठीक है डाटा का और डेटा प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जो कि दोनों को मैनेज जो कि डाटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है अब बात कर लेते हैं डाटा इंटेग्रिटी की डाटा इंटेग्रिटी कहती है कि क्वालिटी ऑफ डाटा जो है ना वो मेंटेन रहनी चाहिए क्वालिटी ऑफ डाटा कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं हम फॉर एग्जांपल अगर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में देखा जाए कि फाइल्स के ऊपर हम लोगों ने फॉर्म है हमारे पास हार्ड फॉर्म है उसके ऊपर हमने डाटा एंटर करना है नेम है हमने नहीं पढ़ा कि नेम एंटर करना था हमने उसकी जगह पे गलती से जल्दी में कह लें कि रोल नंबर लिख दिया अपना अब वो पेपर तो मुझे किसी तरीके से भी नहीं रोक सकता कि आपने ये गलत इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी जब तक कि मैं खुद नहीं देखूंगी लेकिन डाटा के केस में ये है कि हम लोग क्वालिटी ऑफ डेटा को मेंटेन रखते हैं कि जहाँ पे नेम आया है वहाँ पे नेम ही इनपुट होना चाहिए यानी कि अल्फ़ाबेट्स ही इनपुट होने चाहिए नंबरिक नंबर नहीं आ सकते इस तरह के हम लोग कुछ चेक्स लगाते हैं वेलिडेशन करते हैं डाटा के ताकि हमारा पास डाटा की जो क्वालिटी है वो मेनटेन रह सके अब बात कर लेते हैं गारबिन ये गारबिज

इन्फॉर्मेशन होती है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक, पहली बातों के एक्यूरेट होनी चाहिए बिल्कुल सही होनी चाहिए वेरीफाइबल वेरीफाइबल भी होनी चाहिए टाइमली मतलब के टाइम टू टाइम उसको हम लोग अपडेटेड भी रखें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए किसी मैनर में हम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया हो असेसिबल होनी चाहिए यानी कि हमें हम उस डेटा तक रसाई हासिल कर सकें उस इंफॉर्मेशन तक हम लोग रसाई हासिल करें यूज़फुल भी होनी चाहिए क्योंकि इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली आप लोगों को आप लोगों के लिए यूजफुल होती है ताकि आप लोग उसकी बेस के ऊपर कुछ डिसीजन कर सकें कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरारकी ऑफ़ डाटा हरारकी ऑफ़ डाटा से क्या मुराद है कि डाटा को हम कुछ लेयर्स में ऑर्गेनाइज़ करते हैं अब वो लेयर्स क्या हैं इसमें कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है करेक्टर फील्ड इसको मैं फाइल रिकॉर्ड फील्ड और करैक्टर की तरफ से नहीं पढूंगी करैक्टर फील्ड और रिकॉर्ड और फाइल्स देन होता क्या है करैक्टर क्या होता है ये कि बेसिकली एट बिट्स पे मुश्तमिल होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग करैक्टर ही कहते हैं जो भी डेटा बेस में हम लोग या फिर डेटा uh, बेस में टर्म यूज़ करते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम करैक्टर कहते हैं उसके बाद आ जाता है फील्ड फील्ड मीन्स के डे इट इज़ द कलेक्शन ऑफ़ करैक्टर्स करैक्टर्स के मजमूए को हम कह देते हैं फील्ड्स और फिर दैन रिकॉर्ड्स जाता है रिकॉर्ड इज़ द लॉजिकल कलेक्शन ऑफ़ फील्ड्स फील्ड्स का मजमू को हम लोग कह देते हैं रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड के बाद आ जाता है फाइल फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को हम लोग फाइल्स कह देते हैं अब यहाँ पे फिगर में वो दिखा रहा है कि ये इंडिविजुअल यूनिट जो सी हैं वो हमारे पास क्या है फील्ड्स हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्टर आईडी है इंस्ट्रक्टर आईडी में थ्री एट टू एट वन सेवन लिखा हुआ है इट्स मीन कि ये फील्ड है फील्ड मींस कि हमने कहा था कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स तो करेक्टर्स का कलेक्शन है ना यानी कि ये थ्री एट टू एट ये सब करैक्टर्स ना नुमेर, बेशक करैक्टर्स हैं इसके बाद जो नेम है, नेम है है फर्स्ट वो भी एक का करेक्टर्स है तो इसलिए हम लोगों ने इसको फील्ड कर दिया इसी तरह से कहते हैं तो ये सारे जो इंडिविजुअल सेल में आइटम्स हैं इनको हम लोग फील्ड्स कहेंगे अब रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं रिकॉर्ड क्या कहते हैं कि इट इज़ द लॉजिकली कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एक जो रो होगी उस एक कंप्लीट रो को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं ठीक हो गया यहाँ तक बात क्लियर होगी और ए, इन सब रिकॉर्ड को मिला के हम लोग फाइल बना देते हैं अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं करैक्टर की कुछ उसने डेफिनेशन बताई हुई है कि करैक्टर होता क्या है ये नंबर्स भी हो सकते हैं लेटर्स भी हो सकते हैं सिंगल स्पेसिस uh, भी हो सकती हैं पंक्चुएशन मार्क भी और बाकी जो दूसरे सिंबल्स वगैरह होते हैं स्पेशल सिंबल्स होते हैं उसको भी हम लोग करैक्टर में ही काउंट करते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं फील्ड फील्ड इज द कलेक्शन कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर रिलेटेड करैक्टर वही बात आ गई ना कि करैक्टर्स का मजमू को हम लोग कह देते हैं फील्ड अब इसके भी कुछ करैक्टर्स uh, uh, उस इसके भी कुछ फर्दर टर्म्स हैं जो कि फ़ील्ड में यूज़ की जाती हैं फर्स्ट इज़ अ फील्ड नेम फील्ड नेम क्या होगा जो फॉर uh, एग्जांपल जो लास्ट टाइम हम लोगों ने टेबल पढ़ा था उसमें देखें कि जो सबसे पहली वाली रो है उसको हम लोग फील्ड रो नेम uh, कह रहे हैं ठीक है उसके अंदर किस तरह की फील्ड आएंगी फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्टर आई है वो हमारे पास फील्ड नेम होगा उसके अंदर जो आइटम्स आ रहे हैं उसको हम लोग सिंपल फील्ड्स कह रहे हैं ठीक है फील्ड साइज़ उस फील्ड का साइज़ कितना होगा कि कितने करेक्टर्स उस फील्ड के अंदर आ सकी? हैं इसको हम लोग कह देते हैं फील्ड साइज डाटा टाइप डाटा टाइप मीनस टाइप के ऊपर हमने, 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 text, हमने कौन सी डाटा टाइप स्पेसिफाई की कॉमन डाटा टाइप्स इंक्लूड अब कुछ कॉमन डेटा टाइप्स के बारे में बता रहे हैं कि जो भी हम लोग डाटा टाइप यूज करते हैं जिसमें सबसे पहले आ जाता है टेक्स्ट टेक्स्ट मीनस के सिर्फ टेक्सुअल डाटा हम लोग यूज कर सकते हैं नोमेरिक मीन्स नंबर यूज कर सकते हैं ऑटो नंबर ऑटो नंबर मीन हम ऑटोमेटिकली वो कोई नंबर असाइन कर देगा करेंसी करंसी मीन्स के कोई मुल्क की करेंसी होगी तो उसको न, सेव करवाने के लिए जो भी हम लोग डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो करेंसी होगी नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेट डेट में डेट टाइप के हम लोग फील्ड्स को सेव करेंगे मेमो में मेमो टाइप के यस नो में मींस के बाइन ये बाइनरी में ही आ जाता है कि इधर वो बात ट्रू है या फॉल्स है इसके बाद हाइपर लिंक्स यानी कि लिंक्स लगाने के लिए जो भी डाटा टाइप बनाएंगे हम लोग को हाइपर लिंक्स ऑब्जेक्ट्स और अटैचमेंट नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड का भी उसने बताया हुआ है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था इसके बाद बात करते हैं कि प्राइमरी की क्या चीज़ हो तो ये प्राइमरी की होती है एक यूनिक आईडी होती है यूनिक की होती है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है अब रिकॉर्ड हमने ये देखा था कि एक रो को एक कंप्लीट रो को हम लोग टेबल में जो रो थी उसको हमने कह दिया था रिकॉर्ड अब एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से ये डिफरेंट करती है फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास जो स्टूडेंट रोल नंबर है स्टूडेंट रोल नंबर दोनों दो स्टूडेंट्स दो का सेम नहीं हो सकता तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ प्र की नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेटा फाइल डेटा फाइल क्या होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड रिकॉर्ड्स के मजमुए को हम लोग कलेक्शन कहते हैं सॉरी डाटा फाइल कहते हैं डाटा फाइल्स होते डाटा फाइल में हम लोग ये कहते हैं कि इसमें हम डाटा जिस जिस फाइल में डाटा सेव करते हैं सिंपली uh, उसको हम लोग कह देते हैं कि डाटा फाइल है अब हम बात कर लेते हैं फाइल मेंटेनेंस फाइल मेंटेनेंस रेफर्स टू द प्रोसीजर डेट कीप्स डाटा करंट अब हमने फाइल मेंटेनेंस में क्या करना है कि डाटा को इस तरह से सेव से करना है डाटा को सेव तो करना है लेकिन इस तरह से सेव करना से है कि जो हमारे पास डाटा हो वो करंट रहे ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे पहला स्टेप होगा एडिंग डाटा सबसे पहले तो आपने डाटा डे, ऐड कर देना है फिर उसके बाद डाटा को मॉडिफाई करते रहना है जैसे जैसे डाटा में तब्दीलियां होंगी चेंजिंग आएंगी आपने उसको साथ मॉडिफाई करते रहना है अगर तो आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल डाटा नहीं रिक्वायर तो उस डाटा को डिलीट भी कर देना फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी में जब फाइनल फ़ाइनल ईयर आता है और एट सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट पास आउट हो जाता है तो उसका फिर रिकॉर्ड हम लोगों के पास इतना मीनिंगफुल नहीं रहता कि हम लोग उस उसको लॉगिन दे लॉगिन उसका जो है वो द, यूजली डिलीट कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा से हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर सके क्योंकि वो लॉगिन तो उसको स्टूडेंट को इसी लिए दिया जाता है ताकि वो अपने मार्क्स वगैरह ग्रेड्स वगैरह चेक करता रहे टाइमली अटेंडेंस वगैरह देखता रहे तो उसके बाद जब पास आउट हो जाता है तो उसे नहीं ज़रूरत होती कि वो अपने मार्क्स वगैरह को या अटेंडेंस वगैरह को आप दोबारा से देखें क्योंकि उसको तो डिग्री शिग्री मिल गई होती है अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूज़र एड न्यू रिकॉर्ड टू अ फाइल व्हेन दे ऑब्टेन न्यू डाटा जब भी यूजर के पास कोई न्यू डाटा आता है तो वो क्या करता है कि उसके अंदर न्यू फाइल ऐड कर देता है ऑब्वियसली नया स्टूडेंट आएगा उसके नए स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी डाटा होगा हम लोग उसकी एक नई फाइल ऐड कर दें यूज़र मोडिफाई आया रिकॉर्ड अब जो स्टेप्स को जो हमने पॉइंट्स में पढ़ा था एक बॉक्स में, में थोड़ा बहुत पता था कि डाटा को कैसे ऐड करते हैं पहली स्लाइड में स्लाइड नंबर थर्ड फोर्टीन पर आप लोगों को बता रहा है कि डाटा को ऐड कब कर, करना है ठीक है उसके बाद स्लाइड नंबर फिफ्टीन पे आपको बताया जा रहा है कि डाटा को मॉडिफाई क्यों करना है कब करना है इसमें वो बता रहा है कि यूज़र मॉडिफाई रिकॉर्ड टू करेक्ट इनएकुरेट डाटा और मॉडिफाई ओल्ड डाटा इनएक्यूरेट डाटा को हम लोग करेक्ट करने के लिए गलती से कोई हमने गलत डाटा एंटर कर दिया उसको कलेक्ट करेक्ट करने के लिए या फिर ओल्ड डाटा को हम लोग अपग्रेड करने के लिए हम लोग uh, डाटा को मोडिफाई करते हैं मोडिफाई मतलब डाटा के अंदर चेंजिंग करते हैं वेन आ रिकॉर्ड नो लॉन्गर नीडिड यूजर डिलीट इट फ्रॉम अ फाइल जब हमें रिकॉर्ड नहीं चाहिए होता तो उसको हम लोग फाइल से डिलीट कर देते हैं तो उसके लिए हम लोग डिलीट दि, वाला डिलीटिंग रिकॉर्ड को यूज़ करेंगे फाइल मेंटेनेंस में जो थर्ड स्टेप था अब बात कर लेते हैं वैलिडेशन किस तरह से हो सकती है डाटा की ये भी मेंटेनिंग डाटा का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि डाटा को हम लोग जब भी आ, कहीं पे सेव करें तो उसको पहले वैलिडेट कर लें वैलिडेशन कैसे हो सकती है डाटा अल्फ़ाबेटिक है या नोमरिक है ये चेक लगा चेक लगा लिया फ़ॉर एग्जांपल जहाँ पे डाटा अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए वहाँ पर कोई नंबर एंटर नहीं हो सकता जैसे कि नेम है नेम के अंदर अल्फ़ाबेटिक डाटा ही होना चाहिए वहाँ पर कोई नमेरिक चीज़ नहीं आ सकती तो यहाँ पर हम लोग ये चेक लगा सकते हैं उसके बाद रेंज चेक कि हमारी कितनी रेंज कितनी वैल्यूज़ इस डेटा के अंदर आ सकती हैं क्या रेंज हमने रखनी है फॉर एग्जाम्पल हमारी रेंज है हमने रेंज जो सेट की है वो हम सेट करते हैं सी जी पी ए पर ठीक है सी जी पी ए जो रेंज करता है यूजली वो होता है वन से लेके फोर के, के दरमियान तो ये हमारे पास क्या है इस रेंज की वैल्यूज ही इनपुट होंगी तो हमारा डाटा वैलिडेट होगा अदरवाइज हमारा डाटा करेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी चेक कंसिस्टेंसी मीन्स कि हमारा डाटा दो जगह पर जग, अगर हम लोग डाटा को सेव सेव कर रहे हैं तो वो दोनों डेटा एक जैसे ही होने चाहिए ठीक है फॉर एग्जांपल एक जगह पे स्टूडेंट का एड्रेस अगर मैंने लिख दिया है कि मतलब एक जगह पे स्टूडेंट का एड्रेस और है और दूसरी जगह पे एक स्टूडेंट का वो और है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए कंप्लीटनेस टेस्ट डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो कंप्लीट हो यानी कि उसके अंदर कोई मिसिंग चीजें ना हो फॉर एग्जाम्पल इसमें यह चीज़ आ जाती है कि फ़ोन नंबर है जो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन नंबर यूज़ किए जाते हैं उनके टोटल कितने कह लें कि डिजिट्स होते हैं वो इलेवन डिजिट्स होते हैं तो अब हमने ये चेक कर लिया कि एलेवन डिजिट्स ही फ़ोन नंबर वाले जो बॉक्स है उसके अंदर एंटर किए जा रहे हैं कि नहीं इसके बाद डिजिट्स चेक कर लेते हैं कि आ इधर डिजिट् यूज़र एंटर कर रहे हैं या कुछ और एडर इस तरह के हम लोग ढेर सारे चेक्स यूज़ करते हैं ताकि हम लोग डाटा बेस में डाटा को डाटा की वेलिडेशन कर सकें अब बात कर लेते हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डाटा बेस अप्रोच क्या चीज़ें हैं दोनों में क्या डिफरेंस है ठीक है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली ये है कि जिसके अंदर हम लोग सेट ऑफ फाइल्स को यूज़ करके डाटा को सेव करते थे अब फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में तीन चार डिपार्टमेंट्स हैं एक है लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट एक है हमारा हॉस्टल हॉस्टल्स वालों का डिपार्टमेंट और एक हमारा कॉलेज का डिपार्टमेंट है अब एक स्टूडेंट की फ़ाइल वो तीनों डिपार्टमेंट में अलग अलग होगी ठीक है जो स्टूडेंट का डाटा कॉलेज वालों के पास होगा ऑब्वियसली वही डाटा वाली फ़ाइल लाइब्रेरी वालों के पास भी होगी ऑब्वियसली वही डाटा की फ़ाइल किन के पास भी होगी आपके तो तीसरे डिपार्टमेंट के पास भी होगे तो हम लोग क्या करते थे कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सेट ऑफ फाइल्स रख लेते थे इसमें यह होता था कि डाटा एक तो डाटा डुप्लीकेशन हो जाता था यहाँ पे भी डाटा है वहाँ पे भी डाटा है वहाँ पे भी डाटा है अगर डाटा डुप्लीकेट हो रहा है तो डाटा के इनकसिस्टेंसी के चांस बढ़ जाते थे इनकन्स्टेंटेंसी मीन्स कि अगर एक ही फील्ड के रिलेटेड सॉरी एक ही एंटिटी के रिलेटेड डुप्लीकेट जगह पर दो डाटा होगा तो क्या होगा कि वो डेटा इनकन्सिस्टेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ बढ़ जाएंगे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने अगर अपना हाउस शिफ्ट कर लिया है एड्रेस को अपडेट करना है तो वो क्या करेगा कि कॉलेज वाले फ़ाइल में तो आके कह देगा रिक्वेस्ट कर देगा कि हमारा जो एड्रेस है उसको अपडेट कर दें लेकिन हो सकता है कि वो लाइब्रेरी वाली फाइल में ना अपडेट करे तो डेटा इनकन्सिस्टेंट गया ना दो जगह पर डाटा डिफरेंट हो गया यूज फॉर मेनी ईयर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत सालों से यूज़ किया जाता है ट्रडिशनल फाइल्स ट्रडिशनली हम लोग इसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज में यही सिस्टम यूज़ किया जा रहा है डेटा रिटेंडेंसी return, ये बात हो गई है कि डाटा रिटेंडेंसी का मतलब होता है डुप्लिकेशन ऑफ डाटा डुप्लिकेशन ऑफ डाटा की बात हो गई है कि हो गई है कि डाटा कैसे डुप्लिकेट हो जाता है आइसोलेट डाटा आइसोलेट डाटा मीन्स के डाटा का आपस में कोई लिंक नहीं होता जैसे कि दो फाइल्स हैं दो फाइल्स के अंदर जो डाटा है उन फाइल्स का आपस में कोई लिंक नहीं होगा इसके बरक्स देखा जाए तो डाटा बेस अप्रोच में क्या है कि यूज़र शेयर कर सकते हैं डेटा को ठीक है इसमें डेटा की रिटेंडेंसी को भी हम लोग डिक्रीज़ कर देते हैं यानी कि डुप्लीकेट जगह पर डेटा इन अक्कर नहीं हो सकता उसके बाद बात कर लेते हैं डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं डेटा की इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन रख सकते हैं हम लोग डेटा के ऊपर चेक्स लगा देते हैं वैलिडेट करते हैं डेटा को शेयर कर सकते हैं डाटा को ऑब्वियसली दो हम लोग सेंट्रल डाटा बनाते हैं ताकि मल्टीपल जगह से हम लोग डेटा को शेयर कर सकें उसके बाद बात कर लेते हैं अलोज ईजियर एक्सेस ईज़िल ये हम लोगों को डाटा बेस कहीं पर भी अवेलेबल होगी इसके बाद ये क्या करता है कि हा हमें रिड्यूस कर देता है डिवेलपमेंट टाइम को डिवेलपमेंट टाइम को कैसे रिड्यूस करता है कि जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है हर फाइल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम लोग डेवलपमेंट करते थे वो डिपेंड करती थी, थी फाइल के ऊपर कि फाइल के अंदर हम लोगों ने किस तरह का डाटा है फाइल के बेस के ऊपर हम लोग प्रोग्राम्स को बनाते थे या एप्लीकेशन को डेवलप करते थे लेकिन डाटा बेस इस चीज़ से इंडिपेंडेंट होती है उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये वैल्यूबल भी होता है क्यों वैल्यूबल होता है कि हमारे लिए एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा क्योंकि मल्टीपल जगह पर हम लोगों को डाटा को कर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट डाटा बेस अप्रोच प्रोवाइड करती है